हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना पाइस के सारे मैचेस के बारे में। आखिर पटना पाइस किस किस टीम से खेलेगी इस बार मैच, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कबड्डी के रिलेटेड में सारी खबरें सबसे पहले इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। इस बार पटना पाइस टोटल 22 मैचेस खेलेगी। जी हां दोस्तों, टोटल 22 मैचेस और सभी टीमों से दो मुकाबले। जी हां दोस्तों, सभी टीमों से दो मुकाबले, जैसे कि पटना पाइस गुजरात से भी दो मुकाबले खेलेगी, बेंगलुरु बुल्स से भी दो मुकाबले खेलेगी। और मैं आपको बता दूं, इस बार कोई जोन नहीं है और सभी टीमें एक दूसरे से दो मुकाबले खेलेगी। और ऐसे करके टोटल सभी टीमें 22 मुकाबले खेलेगी। जैसे सभी टीमों के 22 मुकाबले हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट होगा प्लेऑफ। तो चलिए देख लेते हैं पटना पाइस पहली मैच किस टीम के साथ खेलेगी। तो पटना पाइस पहली मैच 20 तारीख को बेंगलुरु बुल्स के साथ खेलेगी। दूसरा मैच 26 जुलाई को तेलुगु टाइटंस के साथ खेलेगी। तमिल थलाइबा के साथ 29 जुलाई को खेलेगी। पटना पाइस का होम ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है 3 तारीख को। जी हां दोस्तों, पटना का होम ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है 3 तारीख को और उस दिन ये मैच खेलेगी जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ। फिर खेलेगी 4 अगस्त को पुणे रिपल्टन के साथ। उसके बाद फिर मिला है पटना को गैप रेस्ट करने के लिए। जी हां दोस्तों, रेस्ट करने के, क्योंकि सभी टीमें लगातार मैच खेल के थक जाती है, इसलिए यहां पर गैप कर दिया गया है। और पिछले सीजन में सभी टीमें लगातार 6 मुकाबले खेली थी, जिसके वजह से सभी टीमों के सभी प्लेयर को इंजरी का डर रहता है। अगर एक भी प्लेयर को इंजरी हो गया तो फिर पूरे टीम को नुकसान होता है, इसीलिए इस बार लगातार सभी टीमें अपने होम ग्राउंड में मैचेस नहीं खेलेगी और इस बार मैच को भी कम कर दिया गया अपने होम ग्राउंड। इसकी वजह से प्लेयर को बहुत ज्यादा आराम होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं पटना पाइस अगला मैच किसके साथ खेलेगी। तो अगला मैच खेलेगी पटना पाइस हरियाणा के साथ 7 अगस्त को। फिर अगला मैच खेलेगी पटना पाइरेट्स 9 अगस्त को। उसके बाद पटना का होम ग्राउंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर डायरेक्ट पटना पाइस खेलेगी 16 अगस्त को यू मुंबई के साथ। उसके बाद फिर पटना पाइस खेलेगी 22 अगस्त को बंगाल वॉरियर्स के साथ। फिर उसके बाद पटना पाइस खेलेगी गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के साथ 23 अगस्त को। और 30 अगस्त को खेलेगी दबंग दिल्ली के साथ। और 4 सितंबर को खेलेगी बेंगलुरु बुल्स के साथ। 6 सितंबर को खेलेगी तेलुगु टाइटंस के साथ। और 9 सितंबर को खेलेगी तमिल थलाइबा के साथ। और 12 सितंबर को खेलेगी जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ। और 15 सितंबर को खेलेगी पुणे रिपल्टन के साथ। 20 सितंबर को खेलेगी तेलुगु टाइटंस के साथ। उसके बाद खेलेगी 23 सितंबर को हरियाणा स्टीलर के साथ। फिर 26 सितंबर को खेलेगी दबंग दिल्ली के साथ। फिर 2 अक्टूबर को खेलेगी यू मुंबई के साथ। फिर 5 अक्टूबर को खेलेगी गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के साथ। उसके बाद लास्ट लीग के मैचेस पटना पाइस खेलेगी 6 अक्टूबर को बंगाल वॉरियर्स के साथ। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा अपना प्ले ऑफ। पहला प्ले ऑफ हमें 14 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगा और दूसरा प्ले ऑफ हमें 16 अक्टूबर को। उसके बाद हमें फाइनल 19 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगा। और आपको क्या लग रहा है, इस बार पटना फाइनल में पहुंचेगी या नहीं, मुझे जाकर आप कमेंट में बताइए। और अगला वीडियो आपको किस टीम के स्क्वाड के ऊपर चाहिए, जाइए और मुझे कमेंट बताइए। जिस टीम के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट आएगा मैं अगला वीडियो उसी टीम के ऊपर बनाऊंगा।